दोस्तों बीटीएस ने बताया था कि अब उनका सबसे बड़ा गोल है ग्रैमी को जीतना और पिछले कुछ सालों से वो इसके लिए जी तोड़ मेहनत भी कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि आप सभी आर्मी जानते ही होंगे कि ग्रैमी बीटीएस को बहुत ही बुरे तरीके से ट्वीट करती हुई आई है और इस बार ग्रैमी के अवार्ड में भी कुछ नया नहीं हुआ है और इस बार भी आर्मी ग्रैमी से काफी नाराज है क्योंकि बीटीएस एक भी ग्रैमी नॉमिनेशन में नहीं जीते हैं। तो दोस्तों आज 65वें ग्रैमी अवार्ड्स के रिजल्ट अनाउंस हुए हैं जो कि इंडिया में अर्ली मॉर्निंग यानी 6:30 बजे से लेकर सुबह के 9:30 बजे तक अनाउंस होने थे। दोस्तों काफी सारी आर्मीज इस बार उम्मीद लगाए बैठी थी कि शायद बीटीएस फाइनली अपने गोल को अचीव कर लेंगे क्योंकि इस बार उन्हें काफी सारी नॉमिनेशन में जगह दी गई थी। जहाँ की पहले पिछली बार बीटीएस को 2 ही नॉमिनेशन मिली थी, इस बार बीटीएस को टोटल में 4 नॉमिनेशन मिली थी जिसमें एक नॉमिनेशन कोल्डप्ले की एल्बम की भी थी। हालांकि दोस्तों देखा गया कि फिर से कुछ नया नहीं हुआ और इस बार भी बीटीएस किसी भी नॉमिनेशन में जीत नहीं पाए। दोस्तों आर्मीज को ये बीटीएस की बहुत बड़ी डिसरिस्पेक्ट लगी क्योंकि बीटीएस इतने बड़े आर्टिस्ट हैं जिन्होंने सब कुछ अचीव कर लिया लेकिन ऐसा लगता है कि ग्रैमीज जानबूझकर बीटीएस को हराना चाहते हैं। दोस्तों यही नहीं बल्कि ये भी देखा गया कि बीटीएस की येट टू कम नॉमिनेशन जब अनाउंस करी जा रही थी तब उनकी ओरिजिनल एल्बम की फोटो नहीं ली गई थी और दोस्तों ये बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल था। बीटीएस की येट टू कम की जो फोटो ली गई थी वो उनके ह्युंडई वाले सॉन्ग के वर्जन की थी, साथ ही साथ उसमें युंगी यानी सुगा को बहुत ही बुरे तरीके से क्रॉप किया गया था जिससे ऐसा लग रहा था कि उन्होंने बीटीएस के सॉन्ग की फोटो लेने में भी जरा भी मेहनत नहीं करी और जो भी फोटो मिली उसको नॉमिनेशन में लगा दिया था। हालांकि जहां आर्मीज ग्रैमीज से काफी नाराज है वही आर्मीज का कहना है कि बीटीएस ने अपने लिए सब कुछ अचीव किया ही है, इसीलिए ऐसे फालतू अवार्ड की वजह से बीटीएस को पीछे करना सही बात नहीं होगी। आर्मीज का मानना है कि वो अभी भी बीटीएस बॉयज को पूरे तरीके से सपोर्ट करेंगी, उनकी वीडियोस को स्ट्रीम करेंगी और बीटीएस अपने पावर और टैलेंट से सब कुछ अचीव कर ही लेंगे। तो ग्रामी जैसी छोटी चीज के बारे में सोचकर अपना मूड खराब करना इतना वर्थ इट नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों इस बार तो बीटीएस के सभी मेंबर्स एक साथ ग्रैमीज में पहुंचे भी नहीं थे, इससे खुद ही पता चलता है कि बीटीएस समझ चुके हैं कि ग्रैमीज इतनी बड़ी चीज नहीं है और उनके अपने सोलो प्रोजेक्ट्स अपने बाकी प्रोजेक्ट्स ग्रैमीज से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हालांकि फिर भी हम समझते हैं कि ग्रैमीज को एक दिन जरूर समझ में आएगा कि बीटीएस की क्या वैल्यू है और टैलेंट को किस तरीके से रिकॉग्नाइज किया जाता है। और क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बीटीएस दिल से ग्रैमीज जीतना चाहते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल बीटीएस जरूर इस मुकाम पर पहुंच जाएंगे कि ग्रैमीज भी उनको पीछे नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि बीटीएस और ग्रैमीज को लेकर आपका क्या कहना है। साथ ही साथ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।